नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में हाथरस की रेप पीड़ित लड़की की मौत पर जमकर बवाल हो रहा है और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने सफदरजंग अस्पताल के बाहर खूब हंगामा किया। यही नहीं, दिल्ली में ही विजय चौक पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और रेप पीड़ित लड़की के लिए इंसाफ की मांग की। इससे पहले आज सुबह यूपी के हाथरस की गैंगरेप पीड़ित की दिल्ली में मौत हो गई है। गैंगरेप पीड़ित लड़की का दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज चल रहा था। उसका कल ही अलीगढ़ से दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उसे भर्ती करवाया गया था। हाथरस की घटना 14 सितंबर की है। आरोप है कि कुछ लोगों ने उसका गैंगरेप किया और उसे बुरी तरह मारपीट कर जख्मी किया। बुरी तरह से घायल गैंगरेप पीड़ित लड़की पिछले एक हफ्ते से वेंटिलेटर पर थी और इस मामले में 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित और आरोपी पक्ष के बीच 2001 में भी विवाद हुआ था। पीड़ित परिवार ने आरोपियों को फांसी देने की मांग की है। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से दिल्ली से लेकर हाथरस तक इस मामले पर सियासत गर्म है और सफदरजंग अस्पताल के बाहर किस तरह से लोग एकत्रित हुए हैं और उनका सीधे सीधे मामला इस ओर जाते हुए दिख रहा है। वो चाह रहे हैं कि कड़ी से कड़ी मामले में कार्रवाई हो ताकि जो दोषी लड़की है, जो जीवित नहीं रही, उसको इंसाफ मिल सके। सफदरजंग पर भीम आर्मी का प्रदर्शन और पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए विजय चौक पर भी प्रदर्शन किया गया है। इन दो तस्वीरों के जरिए ये बात, ये संदेश देने की जरूरत समझी जा रही है कि किस तरह से लड़कियों को इंसाफ मिलने का वक्त अभी भी बहुत लंबा खिंचता चला जा रहा है। और ऐसे में ये दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जिसमें किस तरह से सफदरजंग अस्पताल के बाहर भी प्रदर्शन किया गया है। सफदरजंग अस्पताल में ये लड़की भर्ती थी और इसका जो इलाज था वो चल रहा था। पिछले एक हफ्ते से वेंटिलेटर पर थी। 14 सितंबर की घटना है। कुछ लोगों ने उसके साथ गैंगरेप किया और उसे बुरी तरह मारपीट कर जख्मी किया और ये कहा जा रहा है कि उसकी जुबान तक काट दी गई ताकि वो अपनी बात को किसी को ना कह पाए। और इस मामले में 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित और आरोपी पक्ष के बीच 2001 में भी विवाद हुआ है और अगर उस वक्त भी शायद पुलिस ने अपना रुख सही रखा होता तो ये हाल ना हुआ होता। 19 साल बाद ये हाल हुआ है कि पीड़ित परिवार की बेटी चली गई है। हाथरस मामले को लेकर सफदरजंग अस्पताल में हंगामा बढ़ रहा है। मोर्चरी के बाहर जो बैरिकेड्स लगे थे उन्हें फांद कर भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता है वो मोर्चरी के बाहर जुट रहे थे कि किस तरीके से बैरिकेड यहां पर गिरा दिए गए हैं। आपको अगर तस्वीरों में दिखाएं कि किस तरीके से लगातार यहां पर नारेबाजी हो रही थी। देखिए, मोर्चरी के बाहर जो भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं वो इकट्ठा, देखिए किस तरह की तस्वीर अगर हम आपको दिखाएं, जो कार्यकर्ता है लगातार वो यहाँ पर योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर भी इस धरने में शामिल थे। लगातार नारेबाजी यहाँ पर हो रही है। अगर मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं, देखिए पुलिस और भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच धक्का मुक्की हो रही है। तस्वीरों में हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो हाथरस गैंगरेप का मामला था जिसमें पीड़िता की मौत हुई थी, उसके बाद यहाँ पर सफदरजंग अस्पताल में हंगामा बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तस्वीरों में, देखिए किस तरह के हालात सफदरजंग अस्पताल में बन गए हैं। ये देखिए, जल्दी करो, यहाँ पर हालात यहाँ पर किस तरह के यहाँ बन गए हैं। यहाँ मोर्चरी के बाहर उनको आगे की तरफ खदेड़ रही है। ये देखिए तस्वीरों में, यहाँ तस्वीर आप देख सकते हैं, भीम आर्मी चीफ और जो बाकी कार्यकर्ता हैं, ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। अब यहाँ बैठ गए हैं, इनसे हम मांग करते हैं, इनसे बात करते हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। क्या कह रहे हैं? तुम्हारे साथ हैं। क्यों आए आप यहाँ पे? क्यों आए? देखिए यहाँ पर ये कार्यकर्ता यहाँ बॉडी ले जाने की संभवतः कोशिश हो रही है। देखिए यहाँ पर किस तरह के हालात बन रहे हैं। तस्वीर सफदरजंग अस्पताल परिसर के अंदर की है। मोर्चरी के बाहर तस्वीरों में आपको भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर नजर आएंगे। यहाँ संभवतः अब
जो शव है उसको ले जाया जा रहा है ऐसा लग रहा है, लेकिन अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। एक पुलिस की वैन यहाँ पर जा रही है और उसके पीछे एक एम्बुलेंस है। क्या हुआ शव ले जा रहे सारे ये दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस पूरी लाठी चार्ज करी और मार रही है। दिल्ली पुलिस बिकी है, शव ले जा रहे हैं क्या? ये मोदी सरकार दोनों बिकी हुई है। अब यहाँ क्या क्यों विरोध कर रहे हैं? विरोध नहीं कर रहे, हमारी बहन का सवाल नहीं दिया जा रहा है। शाम को ले जा रहे हैं, लेके जा रहे हैं। देखिए इनका कहना है कार्यकर्ताओं का कि पीड़िता के शव को लेकर जाया जा रहा है। ये एम्बुलेंस है, यहाँ आप तस्वीरों में देख सकते हैं पुलिस की सुरक्षा के साथ यहाँ पर ये कहा जा रहा है। हाथरस कहा जा रहे हैं? हाथरस पहले शाम को, अभी यहाँ पे प्रदर्शन भी होगा और हम लोग सभी मिलकर अभी पूरे उनके लिए जो जिन्होंने काम किया हम चाहते हैं उनको। देखिए ये कार्यकर्ता जो भीम आर्मी के कार्यकर्ता, उनका कहना है कि यहाँ पुलिस सुरक्षा में शव को ले जाया जा रहा है, कार्यकर्ता उसका विरोध कर रहे हैं। देखिए फिलहाल यहाँ कार्यकर्ताओं को बाहर किया जा रहा है अस्पताल से। देखिए गाड़ियाँ वो जा चुकी है, एम्बुलेंस गाड़ी निकाली गई एम्बुलेंस। यहाँ तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह के हालात यहाँ बन रहे हैं। यहाँ तस्वीर भीम आर्मी की कोशिश ये थी कि जो शव है उसको न ले जाया जाए, वो लगातार मांग कर रहे थे, लेकिन यहाँ से उनको ले जाया जा रहा है। आप तस्वीरों में देखेंगे भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता उन्हें निकाल लिया गया है। तो ये हालात बन रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए पुलिस किस तरह से कार्रवाई यहाँ पर कर रही है। अब गेट बंद कर दिया गया है जो गेट नंबर 5 है सफदरजंग अस्पताल का। जो अस्पताल के गार्ड्स हैं और जो पुलिस है वो यहाँ अस्पताल के गेट पर यहाँ तैनात हो गए हैं। तो ये तस्वीर हंगामे की जो सफदरजंग अस्पताल परिसर के अंदर चल रहा है। भीम आर्मी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि शव को ले जाया जा रहा है जबरदस्ती, जबकि परिवार अभी इंसाफ की यहाँ मांग कर रहा है। यहाँ तस्वीरों में आप देखिए भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता उनको बाहर फिलहाल कर दिया गया है और यहाँ पर गेट नंबर 5 पर सफदरजंग अस्पताल के यहाँ जो अस्पताल की सिक्योरिटी है और जो पुलिस है वो यहाँ पर तैनात है। कैमरा पर्सन विकास के साथ जावेद मंसूरी, News18 India दिल्ली। संसद भवन के पास में ये जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के बताए जा रहे हैं और ये लोग विरोध प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं, क्या आप लोगों की क्या बात है? देखिए दलितों पर, दलित बच्चियों पर जिस तरह से ये उत्पीड़न हो रहा है, सरकार बलात्कारियों को मुआवजा देने का काम कर रही है, ना कि लगातार यहाँ पर जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है। अब पुलिस कोशिश कर रही है कि इन लोगों को यहाँ सर उठा के ले जाए क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव जगह है। यहाँ पर नज़दीक में राष्ट्रपति भवन है, विजय चौक है और संसद भवन है, एक सेंसिटिव जगह पे यहाँ पे ये चुनाव ये लगातार ये प्रदर्शन हो रहा है। क्या मांगे बेटी? मांग उत्तर प्रदेश में हाथरस में एक दलित लड़की के साथ जिस प्रकार से चार दरिंदों ने बलात्कार किया, उसकी जुबान काट दी, उसके लिए नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे, हमारे सहयोगी एहतशाम और जावेद मंसूरी ने दिखाए कि किस तरह से सफदरजंग अस्पताल के बाहर भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता थे वो वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे इस लड़की को इंसाफ दिए जाने को लेकर। साथ ही एहतशाम दिखा रहे थे किस तरह से विजय चौक पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। इस बीच लड़की के शव को लेकर सफदरजंग अस्पताल और उसके परिवार के बीच विवाद शुरू हुआ है। परिवार का कहना है कि लड़की का शव उन्हें बिना बताए ही कहीं भेज दिया गया, जबकि सफदरजंग अस्पताल का कहना है कि उन्होंने लड़की का शव परिवार को सौंप दिया। तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है? और जब परिवार जो इतनी बड़ी पीड़ा से गुजर रहा है और वो ये बात अगर कह रहा है तो जरूर उनके पास कोई तथ्य होगा, लेकिन वहीं उलट दूसरी तरफ सफदरजंग अस्पताल भी ये दलील दे रहे हैं कि हमने परिवार वालों को पूरी जानकारी दी है। लेकिन ये बहुत बड़ा विवाद हो गया है शव को लेकर। दरअसल सफदरजंग और उनके परिवार के बीच जो पीड़ित लड़की है उसके परिवार के बीच ये विवाद शुरू हो गया है कि उन्हें बिना बताए ही शव को कहीं भेज दिया गया है। इधर दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल से जावेद मंसूरी, हाथरस से सुमित शर्मा हमारे जुड़े हुए हैं। जावेद फिलहाल बताइए, सफदरजंग अस्पताल के बाहर प्रोटेस्ट का सिलसिला जारी है?
देखिए हम सफदरजंग अस्पताल परिसर के भीतर हैं और मैं आपको तस्वीरें देखिए अंदर की दिखाना चाहूँगा कि यहाँ अभी भी किस तरह से प्रदर्शन चल रहा है। जो अलग अलग संगठनों के लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हैं, लगातार यहाँ पर नारेबाजी अभी हो रही थी, लेकिन इसमें एक नया मोड़ यह आया है। परिवार का आरोप है अस्पताल प्रशासन पर कि उन्हें बिना बताए जो शव है वो हाथरस के लिए रवाना कर दिया गया। यहाँ पर देखिए लोग अभी भी इकट्ठे हैं और परिवार भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ आप कहाँ से आए हैं? और मैं प्रदेश सचिव हूँ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी से और प्रभारी हूँ जिला हाथरस का। क्या कहेंगे इस पूरी घटना पर? परिवार कह रहा है कि बिना बताए शव को भेज। ये बिल्कुल सच है, हम लोग आज हैं सफदरजंग हॉस्पिटल के मोर्चरी के सामने खड़े हुए हैं और ये लोग जब तक कहते रहे कि हम अभी दे रहे हैं अभी दे रहे हैं, दोपहर से ये समय हो गया लेकिन अभी तक इन्होंने बॉडी ना तो बताया कि कहाँ है कहाँ है, चुपके से इन्होंने अब बता रहे कि बॉडी को भेज दिया है। ये अन्याय पे अन्याय है और जिस प्रकार योगी सरकार के राज में हाथरस के प्रभारी हैं और यहाँ पर देखिए अभी भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहीं पर धरने पर बैठे, मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूँ। और दूसरे कॉर्नर पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो परिवार के लोग हैं जहाँ उनको घेर कर कुछ लोग बैठे हुए हैं। भीम आर्मी के कार्य हिमांशु हमारे साथ जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या कहेंगे आप अभी तक? बहन को मैंने अभी जो है 100 नंबर पे फोन भी करा है। हाँ। हमारी बहन को हमारे को अभी तक बॉडी नहीं दी गई है, हमको नहीं दिखाया गया, चेहरा भी नहीं दिखाया गया और पता नहीं बॉडी कहाँ है। डॉक्टर कह रहे हैं कि हमने बॉडी हैंड ओवर रिलेटिव को, बात पता है रिलेटिव उसके यहाँ बैठे हैं, पापा पिताजी बैठे हैं, भाई बैठे हैं, चार पांच लोग थे, वो सारे ही लोग यहाँ पे हैं। समझे, क्या ऐसा कोई नया कानून मोदी जी ने योगी जी ने या दिल्ली की सरकार ने निकाल दिया है कि बिना परिवार को बताए जो है, बिना आर्मी का भी यही है कि बिना परिवार को बताए बॉडी कैसे हैंड ओवर की जा सकती है। और यहाँ पर परिवार ने भी यही सीधा आरोप लगाया, मैं आपको दिखाऊं, देखिए भीम आर्मी के जो तमाम कार्यकर्ता है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और अभी लगातार यहाँ डटे हुए हैं। आपको बता दें कि करीब 3 से 4 घंटे हो गए हैं जब यहाँ पर लगातार यहाँ धरना प्रदर्शन का। मैं भीम आर्मी के किसी भी वक्तव्य को इसलिए मैं जायज या गलत या सही नहीं ठहरा सकती क्योंकि वहां खुद उस लड़की के परिवार वाले मौजूद हैं। क्या आपकी ऑफ द कैमरा बात हुई है कि वो बता रहे हैं कि वाकई ऐसा हुआ है या फिर सब कुछ जो आ रहा है वो भीम आर्मी के हवाले से आ रहा है? नहीं, हमारी परिवार से, लड़की के पिता से बात हुई है, लड़की के भाई से बात हुई है, उनका साफ कहना है कि हमें बताया नहीं गया है, हमारी बिना इजाजत के बॉडी जो है वो रवाना कर दी गई है। भाई के हवाले से हम ये कंफर्म कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि बॉडी को हाथरस के रास्ते में है और नोएडा से आगे शव निकल चुका है, ये उनके भाई ने बताया है। भीम आर्मी उनके साथ यहाँ पर मौजूद है लेकिन ये उनके परिवार के हवाले से हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। परिवार अस्पताल प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं कि बिना इजाजत, ये बहुत बड़ा आरोप है जावेद, और अगर परिवार की इजाजत के बगैर या उनकी जानकारी के बगैर ऐसा किया गया है तो बहुत ही गलत किया गया है। हमारे साथ हाथरस से सुमित शर्मा जुड़ रहे हैं। सुमित, जानकारी ये मिल रही है कि उस शव को हाथरस भेजा गया है, ऐसे में इतना बवाल दिल्ली में हो रहा है, हम देख रहे हैं लगातार तस्वीरें, हाथरस में क्या स्थिति है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? जी, अभी हाथरस में पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर की कमान पूरी तरह से आईजी पीयूष मौर्या ने संभाल रखी है। जनपद में भारी पुलिस फोर्स तैनात है, आगरा एटा अलीगढ़ कई जनपदों की फोर्स जनपद में तैनात है, पूरी तरह से पीएससी को लगाया गया है, यहां पर लॉ एंड ऑर्डर के लेकर पुख्ता व्यवस्था की गई है। अभी तक लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं आई है। थोड़ी देर पहले कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हाथरस के मुख्य चौराहे पर प्रदर्शन किया था जिसको पुलिस ने समाप्त भी करा दिया है। अभी तक शव हाथरस में नहीं पहुंचा है, शव हाथरस पहुंचने के बाद देखते हैं क्या व्यवस्था बनती है। लेकिन सुमित, सवाल तो ये होता है कि ये मामला 2001 से था और अगर उस मामले में सही से जिस भी पार्टी की सरकार रही अगर टैकल किया गया था होता, डील किया गया होता तो ये स्थितियां ना बनती। तो सीधे सीधे जिम्मेदारी कानून व्यवस्था की है, पुलिस के उस रवैये की है जो सही नहीं था और इस वजह से ये स्थितियां बनी। आप बने रहिए हमारे साथ सुमित। इस बीच हाथरस कांड में पीड़ित परिवार पुलिस पर देर से कार्रवाई करने का आरोप लगा रहा है और इस केस में आरोपियों ने लड़की से दरिंदगी की हदें पार कर दी हैं। 14 सितंबर को यूपी के हाथरस में एक दलित युवती से गैंगरेप किया गया, पीड़िता के साथ 4-5 लोगों ने गैंगरेप किया। आरोपियों ने पीड़िता के साथ दरिंदगी की हद पार करते हुए उसके साथ बुरी तरह मारपीट की, इससे पीड़ित युवती को गंभीर चोटें आई और दरिंदों ने उसकी जीभ भी काट दी।
परिवार ने आरोप लगाया कि पुलिस से शिकायत करने पर भी समय पर कार्रवाई नहीं की। गंभीर रूप से जख्मी हो चुकी पीड़ित युवती को जेएन मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ में भर्ती करवाया गया। 19 सितंबर को जेएन मेडिकल कॉलेज में युवती के बयान दर्ज किए गए। बयान दर्ज कराने के दौरान युवती की हालत बहुत नाजुक थी। जीभ कट जाने से युवती ने इशारों में आरोपियों के खिलाफ बयान दर्ज कराए। 22 सितंबर को अस्पताल जाकर युवती के बयान दोबारा पुलिस के जरिए दर्ज किए गए। दोबारा बयान दर्ज किए जाने के बाद 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इस बीच जेएन मेडिकल कॉलेज में युवती की हालत बहुत बिगड़ गई। हालत बिगड़ने पर युवती को दिल्ली के सफदरजंग में भर्ती करवाया गया। 29 सितंबर यानी आज दोपहर को पीड़ित युवती ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। तो एक बड़ा सवालिया निशान उत्तर प्रदेश की पुलिस व्यवस्था पर लगता है कि इतना हीला हवाली क्यों किया गया इस पूरे घटनाक्रम में। आखिर पुलिस के पास इस बात को लेकर सुमित क्या सफाई है, क्या दलील है? ये पुलिस इस पूरे मामले में यही सफाई दे रही है कि पुलिस ने अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई की है। ये पूरी तरह से सही बात है कि पुलिस ने इस मामले में थोड़ी सी ढील डाली थी। अगर पुलिस इस मामले में पूरी तरह से निष्पक्ष जांच करती और कार्रवाई करती तो आज हो सकता है कि पीड़िता हमारे बीच जिंदा होती। जी बिल्कुल, और ये पूरा घटनाक्रम जिस तरह से सामने आया है एक बड़ा सवाल लड़कियों की सुरक्षा को लेकर खड़ा हो रहा है। और पुलिस के मुताबिक इस मामले में जल्द ही चार्जशीट सौंपी जाएगी और फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी। तो आपको एक बार फिर से वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो सफदरजंग अस्पताल के बाहर की है और उस प्रीमिसेस की है जहां पर वो लड़की भर्ती थी जिसकी जान चली गई, जो जिंदगी से लड़ते लड़ते हार गई। और ये सिलसिला छोटा नहीं था, ये पूरे 15 दिन का सिलसिला था। वो कोशिश कर रही थी कि वो एक बार फिर से मौत को मात दे लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ये वो आरोपी हैं जिन पर इस लड़की के साथ गैंगरेप का आरोप है। इस लड़की के साथ गैंगरेप के मामले में 4 आरोपियों को जरूर गिरफ्तार किया गया है, लेकिन समय रहते कार्रवाई अगर हुई होती तो शायद स्थितियां बेहतर हो सकती थी। आज परिवार वाले जो अपनी बेटी को खो चुके हैं उनका रो रो कर बुरा हाल न होता। अभियुक्त इस केस में नामित थे, सभी की गिरफ्तारी की जा चुकी है और अब किसी अभियुक्त की गिरफ्तारी शेष नहीं है। जो आर्थिक सहायता राज्याज्ञा के अंतर्गत अनुमन्य है वो उसका 50% 4,12,500 रुपये वो दिनांक 27 तारीख को ही पीड़िता के परिवारजनों के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। आज सूचना मिली है उनके अनफॉर्चुनेट डेथ की। इस सूचना पे चूँकि प्रीवियसली FIR कायम हो चुकी थी 307 में, बाद में इसमें 376 डी धाराओं की बढ़ोतरी की गई है। अब 307 से इसे 302 में तरमीम किए जाने की कार्रवाई प्रचलित है और वो की जा रही है। चारों अभियुक्तों की पूर्व में गिरफ्तारी की जा चुकी है। चारों अभियुक्त गिरफ्तार करके जेल भेजे जा चुके हैं और 28 तारीख को परिवार से सहमति के उपरांत उसको सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली रेफर किया गया, जहां पीड़िता की आज सुबह मृत्यु हो गई। बड़ी दुख की बात है, पीड़िता को SC ST में 4,12,500 रुपये की धनराशि दी गई थी और आज 5,87,500 रुपये की धनराशि जिला प्रशासन द्वारा होल दी जा रही है। और हाथरस केस में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पीड़िता की मौत के बाद हाथरस पुलिस ने आरोपियों पर धारा 302 भी लगाई, यानी अब हत्या का केस भी चलेगा। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने हेतु जरूरी कार्रवाई की जा रही है। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। हाथरस केस में इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर, पीड़िता की मौत के बाद हाथरस पुलिस ने आरोपियों पर धारा 302 भी लगाई है, यानी अब हत्या का केस भी चलेगा। जावेद मंसूरी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। जावेद, हत्या का केस जरूर चलेगा लेकिन उस परिवार का दर्द कभी खत्म नहीं होगा जिनकी बेटी अब हमेशा हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर चली गई है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लड़की की मौत हुई है, पुलिस ने हत्या का मामला भी दर्ज किया है, लेकिन परिवार और जो यहाँ पर परिवार के समर्थन में लोग जुटे हैं उनका गुस्सा कम नहीं हुआ है। सफदरजंग परिसर के अंदर की तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं। देखिए अभी भी यहाँ पर धरना प्रदर्शन अस्पताल परिसर के अंदर लगातार चल रहा है। अलग अलग संगठन है, मुख्य रूप से भीम आर्मी यहाँ पर डटी हुई है, चंद्रशेखर
यहाँ पर पहुँचे थे। और सबसे बड़ी बात जो एक अजीब गरीब स्थिति ये बनी है कि जो पीड़िता का परिवार है, जो उनके पिता हैं, उनके भाई हैं, वो भी अस्पताल परिसर के अंदर ही मौजूद हैं और अस्पताल का कहना है कि उन्होंने बॉडी हैंड ओवर कर दी है। तो ये बड़ा सवाल है कि यहाँ पर जो स्थिति बन रही है वो गतिरोध कैसे खत्म होगा। लगातार यहाँ पर इंसाफ की मांग कर रहे हैं परिवार वाले, वो कह रहे थे कि बॉडी नहीं ले जाएंगे, लेकिन बॉडी को रवाना कर दिया गया अस्पताल की तरफ से। और अस्पताल के अंदर का माहौल अगर आपको दिखाऊं, देखिए कितनी भीड़ यहाँ पर जमा है, चाहे वो अलग अलग के संगठन के लोग हों या परिवार के जो समर्थन में यहाँ पर लोग आए हैं वो हैं। दूसरी तरफ मैं अस्पताल की जो सिक्योरिटी है वो भी दिखाना चाहूँगा। देखिए किस तरह से यहाँ पर पुलिस तैनात है, अस्पताल में जाने वाला जो रास्ता है वहाँ पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं, पुलिस मौजूद है, अस्पताल की जो सुरक्षा है, जो अस्पताल की सुरक्षा वो भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और यहाँ अस्पताल परिसर के भीतर ही लगातार धरने प्रदर्शन का दौर चल रहा है। तो ये मुद्दा लगातार यहाँ बढ़ता ही जा रहा है। भीम आर्मी यहाँ से अभी हटने वाली नहीं है, जिस तरह से वो प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर लगातार नारेबाजी हो रही है। अगर मैं यहाँ तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूँ, यहाँ देखिए लगातार यहाँ पर जो दलित संगठन है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, लगातार यहाँ नारेबाजी हो रही है। तो ये तस्वीर है सफदरजंग अस्पताल के भीतर की। लगातार प्रोटेस्ट जो है वो हाथरस मामले को लेकर हो रहा है। और यूपी की बेटी के साथ जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है 14 सितंबर से लेकर इस पूरे बीच सिलसिले में, परिवार ने जो कुछ झेला है उसकी भरपाई होनी चाहिए और इन गुनहगारों को बख्शा जाना नहीं चाहिए, ये एक सुर में आवाज आ रही है। हाथरस में गैंगरेप पीड़िता के परिवार ने न्यूज 18 से कहा है कि उनके परिवार को इंसाफ मिले और दोषियों को जल्द से जल्द फांसी पर लटकाया जाए। क्या कहना चाहेंगे? बहुत जघन्य अपराध हुआ है, बहुत जघन्य अपराध है। सुशांत फांसी की सजा होनी चाहिए और किसी भी बेटी के साथ में ऐसा अत्याचार न होना चाहिए, जघन्य अपराध नहीं होना चाहिए। मेरी सरकार से क्या मांग कर रहे हैं आप? जिस तरह की घटना हुई है फांसी होनी चाहिए, जो आरोपी हैं उनको फांसी की सजा देनी चाहिए। अच्छा, तो घटना जिस तरह से हुई थी 14 सितंबर की घटना है, किस तरह, क्या वहाँ जो पुलिस प्रशासन और जो वहाँ इलाज हुआ, क्या आप उससे संतुष्ट हुए वहाँ पर? किस तरह? नहीं संतुष्ट नहीं संतुष्ट हुए। अच्छा, हो सकती है कि वो बच जाती, थोड़ा सा इलाज अगर सही होता तो। सफदरजंग अस्पताल की तरफ से कहा गया है कि बॉडी हैंडओवर कर दी गई है, लेकिन पीड़िता के पिता यहां पर मौजूद हैं। देखिए सफदरजंग अस्पताल परिसर के अंदर ही बॉडी जो है, अस्पताल कह रहा है कि वो हैंडओवर आपको बॉडी मिली, आप गए नहीं हाथरस जी? ना, आपको बॉडी नहीं मिली, तो आप अभी यही बैठे हैं। यहाँ से अस्पताल की तरफ से कहा गया है कि बॉडी जा चुकी है, बॉडी जा चुकी है यहाँ से। अभी हमने पूछा, कह रहे हैं नोएडा पार कर गई है बॉडी। हमारे जा चुके, किसको हैंड ओवर किए? किसी को नहीं, परिवार को, हमें का भाई बोल रहा हूँ, और हमारे बिना परमिशन के यहाँ से बॉडी भेज दी गई है, ना ही बिना परमिशन के। ठीक है, जब तक हमारी बहन की बॉडी और हमारे यहाँ नहीं आ जाएगी जब तक हम हिलेंगे नहीं। वो कह रहे हैं कि हैंड ओवर कर दिया रिलेटिव्स को, तो आप तो भाई हैं उनके, आपको आपके आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि आपको बॉडी नहीं मिली, आपकी बिना इजाजत के भेजी गई। नहीं, हमसे पूछा ही नहीं उन्होंने, परिवार तो यही बैठा हुआ है, परिवार हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, हम परिवार बैठे हैं। तो आप जाएंगे हाथरस? बॉडी तो निकाल ली है यहाँ, कहीं जाएंगे? क्या मांग कर रहे हैं? क्यों रुके हुए हैं? इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। क्या मांग कर रहे हैं? मांग ये कर रहे हैं, यहाँ जो भी आरोपी हैं फांसी होनी चाहिए आरोपियों को। अच्छा। उनको केस दबाया और उनका केस दबाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि जिस लड़कों ने लड़के के साथ गलत काम करा वाल्मीकि समाज से, ठाकुर नहीं बताया जा रहा उन्हें, हाँ ये भी दिखाया जा रहा है। आप कुछ कहना चाहेंगे? अभी बॉडी तो कह रहे हैं कि निकाल दिए यहाँ से, तो मीडिया ऐसे क्यों दिखा रही है, पागल बना रहे हैं। देखिए ये परिवार, ये पीड़िता के पिता है, ये उनके भाई हैं, उनका कहना है कि हमें सूचित नहीं किया गया, लेकिन जो शव है उसको निकाल दिया गया है। पीड़िता के भाई बता रहे हैं कि नोएडा से आगे निकल चुकी है जो शव है पीड़िता का, लेकिन परिवार वाले कह रहे हैं वो यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिल जाता। और इस घटना के बाद पीड़ित को सबसे पहले अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया था और पीड़ित ने वहां क्या बयान दिया था आपको सुनवाते हैं। ये बयान मौत से पहले पीड़ित का आखिरी बयान बन गया है।
क्या हुआ, किसने मारा, किसने मारा आपको? हाँ, किसने? और अच्छा, किस बात को लेकर? कोई बात नहीं, अब तो काम से ले गए थे, फिर अब मैं दे रही थी तो अंदर ले गया मुझे और गला दबा दिया। मेरी रिश्ता मुद्दा मुझे सोच था तो मना करी, सोच से गला दबा दिया बस। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर ने हाथरस मामले में न्याय न मिलने पर यूपी बंद की धमकी दे दी है। उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि अगर इस मामले में जल्द कार्रवाई नहीं होती है और दोषियों को उनके किए की सजा नहीं दी जाती है तब हम न्याय के इंतजार में यूपी बंद करेंगे और ये जल्द किया जाएगा। सीधे सीधे कहना है भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर का। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भीम आर्मी चीफ जो कि सफदरजंग अस्पताल पहुंचे हैं। हाथरस गैंगरेप पीड़िता की दुखद मौत हुई है। चंद्रशेखर, आप आए हैं, क्या परिवार से बात हुई है और क्या कहेंगे इस घटना पर? मैं उस परिवार का हिस्सा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि वो ये मौत नहीं, हत्या है, क्योंकि कल जब हम वो पीड़िता यहाँ पहुंची थी, हमारे लोग वहाँ मिले थे, मिलने के लिए पहुंचे थे, डॉक्टर्स ने बदतमीजी की, कोई इलाज में जो है कोई जो है फर्दर जो है परस्यू नहीं किया गया, कोई इस तरह की उम्मीद नहीं थी कि जिससे कि हमें लग रहा था कि न्याय मिलेगा, और ऐसे ही 13-14 दिन जो है ये अलीगढ़ में रखी गई। अगर इसकी अच्छे इलाज की चेष्टा की जाती और नीयत होती कि इसको बचाने की तो ये बच जाती, लेकिन सरकार की नीयत नहीं है। सरकार नहीं चाहती कि अपराध रुके, क्योंकि सत्ता में बैठे लोगों का अपराधियों को संरक्षण। क्या कहेंगे, परिवार कह रहा है कि एम्स के लिए रेफर किया गया था लेकिन सफदरजंग लेकर आया, परिवार इलाज पर भी सवाल उठा रहा है। यहाँ पर पूरे एम्स में 50% कर्मचारी हमारे हैं, एम्स की गंदगी हम लोग साफ करते हैं, लेकिन हमारी रेप पीड़िता बहन के लिए एम्स में जगह नहीं है। ये बताता है ना मुख्यमंत्री ने प्रयास किया ना प्रशासन ने प्रयास किया। सुरक्षा की बात ये थी कि उत्तर प्रदेश कल रात ही छोड़ के चली गई थी। हमें लगता है कि इस देश में दलित होना अपराध। हाथरस मामले में परिवार ने गैंगरेप का आरोप लगाया है लेकिन पुलिस का कहना है कि मेडिकल जांच में गैंगरेप की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि युवती के बयान के बाद पुलिस ने बाद में गैंगरेप का केस दर्ज किया। फिलहाल आगे की जांच गंभीरता से की जा रही है। मेडिकल एग्जामिनेशन के समय कोई इस प्रकार का दुष्कर्म का तथ्य इस पे सामने नहीं है। उन्होंने फॉरेंसिक साइंस लैब एग्जामिनेशन के भेजे हैं जो कि भेजे जा चुके हैं आगरा स्थित विधि विज्ञान प्रयोगशाला में और उसकी रिपोर्ट शीघ्र ही आ जाएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाथरस केस में ट्वीट किया है, यूपी के वर्ग विशेष जंगल राज ने एक और युवती को मार डाला। सरकार ने कहा कि यह फेक न्यूज है और पीड़िता को मरने के लिए छोड़ दिया। ना तो ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना फेक थी, ना ही पीड़िता की मौत और ना ही सरकार की बेरहमी। और इस घटना के विरोध में हाथरस में कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है और जाम लगाया है। और ये तस्वीरें सिर्फ हाथरस से ही नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली में भी उस वक्त सामने आई जब विजय चौक पर इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया गया, प्रोटेस्ट किया गया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के जरिए। इस घटना के विरोध में हाथरस में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है और सड़कों को जाम किया है। सीधे सीधे मांग ये है कि आपने अगर समय रहते कार्रवाई की होती, इस मामले को संजीदगी से लिया होता तो शायद वो लड़की आज जिंदा होती। दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, दिल्ली के विजय चौक की तस्वीरें, साथ ही हाथरस की उस सड़क की तस्वीर जहां पर जाम लगाया है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और पुलिस को मौजूद रहना पड़ा क्योंकि इतनी भारी मात्रा में, भारी संख्या में यहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए थे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने हाथरस की घटना के बारे में यूपी सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका ने ट्वीट किया है, हाथरस, शाहजहांपुर और गोरखपुर में एक के बाद एक रेप की घटनाओं ने राज्य को हिला दिया है। यूपी में कानून व्यवस्था हद से ज्यादा बिगड़ चुकी है, महिलाओं की सुरक्षा का नामो निशान नहीं है, अपराधी खुलेआम अपराध कर रहे हैं, एक बड़ा सवालिया निशान प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट के जरिए मौजूदा सरकार और प्रशासन पर किया है। इसके साथ ही पूर्व सीएम मायावती ने अपराधियों पर कार्रवाई की मांग की है। यूपी के हाथरस में गैंगरेप के बाद पीड़िता की आज हुई मौत की खबर अति दुखद।
सरकार पीड़ित परिवार की हर संभव सहायता करे और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर अपराधियों को जल्द सजा सुनिश्चित करे, बीएसपी की ये मांग है। और उधर जेडीयू के केसी त्यागी ने हाथरस कांड की तुलना निर्भया कांड से की है। निर्भया कांड टू है, ट्रायल भी ऐसी होनी चाहिए, सजा भी ऐसी होनी चाहिए, मोमबत्तियों के प्रदर्शन भी ऐसे होने चाहिए। दलितों के लिए संवेदनाएं अलग और नॉन दलितों के लिए संवेदनाएं अलग, ये भारतीय न्यायिक प्रक्रिया का, दंड प्रक्रिया का दुर्भाग्यपूर्ण दौर है। और हाथरस गैंगरेप पर गुस्सा जताते हुए एक्टर अक्षय कुमार ने गैंगरेप के दोषियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की है। उन्होंने ट्वीट किया है, नाराज और निराश, हाथरस गैंगरेप में इतनी क्रूरता ये कब रुकेगा? हमारे कानून और उन पर कार्रवाई इतनी सख्त होनी चाहिए कि सजा के बारे में सोचने से ही दोषी डर जाए। अपराधियों को फांसी दो, बेटियों और बहनों की सुरक्षा के लिए अपनी आवाज उठाएं, ये कम से कम हम कर सकते हैं। तो लगातार एक बड़े सुर में, एक बड़ी आवाज में, एक बुलंदगी में इस पूरे घटनाक्रम की निंदा हो रही है, आलोचना हो रही है और सब ये कह रहे हैं कि हम ये सोच रहे थे, हम ये समझ रहे थे कि निर्भया कांड के बाद शायद ऐसे अपराधियों की रूह कांपेगी ये कदम उठाने से। लेकिन एक बार फिर से हाथरस में जिस तरह की घटना गैंगरेप की सामने आई है, ऐसे में सबको इस घटना ने हिलाकर रख दिया है। यूपी के हाथरस में गैंगरेप पीड़ित के साथ बर्बरता के मामले में पुलिस की ओर से सफाई जारी की गई है। हाथरस पुलिस ने ट्वीट किया है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है उनकी खबरों को झूठा बताया गया है, जिसमें गैंगरेप के बाद पीड़ित की जीभ काटने, आंखें फोड़ने और रीढ़ की हड्डी तोड़ने का दावा किया जा रहा है। और एक बार फिर से आपको हम ये बता दें, दरअसल हाथरस पुलिस ने पीड़ित की जीप काटने और आंख फोड़ने की खबरों का खंडन करते हुए ट्वीट किया, सोशल मीडिया के जरिए ये झूठी खबर सार्वजनिक रूप से फैलाई जा रही है कि थाना चंदपा इलाके में दुर्भाग्यपूर्ण घटित घटना में मृतका की जीप काटी गई, आंख फोड़ी गई तथा रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई। हाथरस पुलिस इस झूठी और भ्रामक खबर का खंडन करती है सोशल मीडिया के जरिए। अगर पुलिस हाथरस की कुछ कर पाती तो शायद ये ना करती, कम से कम तो बहुत अच्छा होता, कार्रवाई के बारे में जानकारी देती, उन आरोपी गुनहगारों के बारे में जानकारी देती। अपने मुंह पर ही किस तरह से एक बड़ा सवालिया निशान उन्होंने इस ट्वीट के जरिए खड़ा कर दिया है, जरा देख लीजिए परिवार, वो लड़की खुद किस तरह से अक्षम थी अपनी बात को रखने में और किस तरह की हालत थी, वो तो तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। लेकिन हाथरस पुलिस बोल रही है कि आंख नहीं फोड़ी गई, रीढ़ की हड्डी नहीं टूटी है, किसी तरह की दिक्कत नहीं हुई है उस लड़की को। तो क्या खामखा इस मामले को मुद्दा बनाया जा रहा है? क्या अपनी साख को बचाने के लिए हाथरस पुलिस इस हद तक जा सकती है, जहां एक तरफ लगातार ये मांग हो रही है कि किसी तरह से इस मामले पर कार्रवाई हो और एक संदेश जाए, वहीं यूपी के हाथरस में गैंगरेप पीड़िता के साथ बर्बरता के मामले में पुलिस ने सफाई जारी की है। इससे तो बेहतर रहता कि वो चुप ही रह जाते। हाथरस पुलिस ने ट्वीट कर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही उन खबरों को झूठा बताया है, जिसमें गैंगरेप के बाद पीड़ित की जीभ काटने, आंख फोड़ने और रीढ़ की हड्डी तोड़ने का दावा किया जा रहा है। तो अब कब कैसे अपनी नजरों को छुपाएंगे, कैसे अपने इस ट्वीट को डिलीट करेंगे, क्योंकि ये जहां तक पहुंचना था, इसका संदेश जहां तक पहुंचना था वो पहुंच चुका है और हाथरस पुलिस की कार्रवाई पर एक बड़ा धब्बा लग गया है। एक बार फिर से आपको बता दें, हाथरस पुलिस ने पीड़ित की जीप काटने और आग फोड़ने की खबरों का खंडन किया है और ट्वीट किया है। आपको ट्वीट दिखाते हैं, सोशल मीडिया के जरिए कहा जा रहा है कि झूठी खबरें सार्वजनिक रूप से फैलाई जा रही है कि थाना चंदपा इलाके में दुर्भाग्यपूर्ण घटित घटना में मृतका की जीप काटी गई, आंख फोड़ी गई और रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई थी। हाथरस पुलिस इस झूठी और भ्रामक खबर का खंडन करती है। शायद हाथरस पुलिस की भ्रामक खबर यह होती कि इस तरह का गैंगरेप ना हुआ है, तब हमें ज्यादा अच्छा लगता, लेकिन इस तरह के आईने में जो सच दिख रहा है उसको कैसे हाथरस पुलिस झुठला रही है। हाथरस गैंगरेप केस से जुड़ी अपडेट हर खबर के लिए देखिए news18india.com। न्यूज 18 इंडिया NBA का सदस्य है और निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए बनाए गए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के नैतिक मानकों से संचालित होता है।